वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका कंप्लीट कोर्स आपका हो चुका है बिजनेस स्टैटिक्स का, वो फोल्डर आपके मैनेज हो चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंटेंट में जाएं। कंटेंट में आपका एक डेमो क्लासेस का फोल्डर होगा, एक लेटेस्ट क्लास का फोल्डर होगा। लेटेस्ट क्लास में जाएंगे तो उसमें आपको मेजरमेंट ऑफ सेंडर टेंडेंसी होगा, जिसके अंदर मेन टॉपिक है, तो चैप्टर मेन और उस चैप्टर मेन के अंदर कितने वीडियो है उसके अंदर जाके पता लगेगा। चैप्टर टू मीडियन, उसमें कितने टॉपिक्स हैं उसके अंदर जाओगे तो सारी वीडियो सीक्वेंस में। चैप्टर थ्री मोड, इस तरीके से आपके उसके अंदर स्क्यूनेस चैप्टर, कटेसिस, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी चैप्टर्स मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंदर आपके बीच में डाला हुआ है, अंदर जाके देखेंगे तो। और सीक्वेंस में बिल्कुल आपके कंटेंट अरेंज है विद PDF। क्लियर है बच्चे? एंड आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के माइंड में नहीं रहना चाहिए कि सर अब हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा, हमारे पेपर तो बहुत क्लोज आ रहे हैं। इस समय मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इस और आपके पास में एक तो डेमो क्लास का फोल्डर होगा, लेटेस्ट क्लास का फोल्डर होगा, एक फोल्डर और ऊपर ही होगा 10 ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो जो शिवदास के जो क्वेश्चन हैं, जो 10 ईयर के क्वेश्चन हैं, तो यूनिट वाइज मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वेश्चन में फर्स्ट आपके एग्जाम में कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा, तो जो भी मेरी लाइव क्लासेस जाएगी वो 10 ईयर से रिलेटेड जाएगी एंड सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और आप कंटेंट में जाकर के उसको देखिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, मोस्ट वेलकम। और जिनका हो गया है, जैसे कि मैं अब यहाँ पर कोरिलेशन और रिग्रेशन समझा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मेरी लाइव क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको सबसे पहले इसकी पूरी वीडियो, पूरी क्लासेस सब देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट कूदोगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन द डाटा फिट आर द रिग्रेशन लाइन ऑन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो बच्चे सबसे पहले हमें एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है वाई ऑन एक्स। तो देखिएगा y on x, तो y on x के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या चाहिए कि y on x पे है, तो सबसे पहले आपके पास में जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन आपका ये होगा y माइनस y बार, मतलब y मीन इक्वल्स टू बी एक्स, बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स है ना, तो बी वाई एक्स। क्लियर है बच्चे? y on x मीन्स क्या हो गया कि y डेटा डिपेंडेड है ऑन x पे। क्लियर है? y ऑन x, तो x के ऊपर y डेटा डिपेंडेड है, ये इसका मतलब हो गया। और आपको पता है कोरिलेशन में मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसमें एक में चेंज आता है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे में भी चेंज आता है, लाइक प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, लेकिन इनमें आपस में एक रिलेशन होता है जिससे कि हमें पता रहता है कि ये किस प्रोपोर्शनेट में चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो उस प्रोपोर्शनेट को अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इट मीन्स कोरिलेशन अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो फिर एक में चेंज आएगा तो दूसरे के लिए हम प्रिडिक्ट पहले कर सकते हैं कि दूसरे में अब ये चेंज होगा, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरिलेशन रिग्रेशन डेटाबेस पे ही काम करता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं इस चीज़ के ऊपर, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बता रहा हूं, उतना ही बताऊंगा जितना कि क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेगा, बाकी मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको बताया हुआ है इसके बारे में। एंड एक्स माइनस एक्स बार एक्स मीन, ये चाहिए हमें सबसे पहले। तो अब आपके पास में आप बोलेंगे सर ये बी, अब आपको पता है वाई तो आपके पास में एक वेरिएबल है, वाई बार क्या है, वाई डेटा का मीन, एक्स बार क्या है, एक्स डेटा का मीन। तो सबसे पहले आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक आपके पास में क्या है बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स के लिए आपके पास में क्या होगा सिग्मा वाई एक्स। क्लियर है बच्चे? माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा वाई एक्स अपॉन एन अपॉन सिग्मा वाई ऑन एक्स है, तो बी एक्स वाई, तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? ये इसका जो है बी वाई एक्स का फॉर्मूला है। तो आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस रिक्वायरमेंट समझिए। आपको सबसे पहले आपको मीन वाई का भी चाहिए और एक्स का भी मीन चाहिए, तो आइए कुछ कॉलम बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें।
हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास में एक एक्स वाई की नीड है, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर की भी आपको नीड है। चलिए, तो सिग्मा, पहले आपको एक्स का मीन निकालना है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स क्या आएगा, जरा ऐड करेंगे इसको आप, तो आपके पास में आ गया 6, 6 और 3, 9, 9 और 2, 11, 11 और 1, 12, 13, 20 और 23, ये 23 आए। तो 23 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो ये क्या है बच्चे, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं आप, तो आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास में आ गया। एंड आप इसी तरीके से y का भी मीन निकाल सकते हैं, समीशन y अपॉन n, आप सॉल्व करेंगे, 6, 7, 7 और 1, 8, 8 दो 10 और 1, 11, 11 और 5, 16, 16 अपॉन में 8, तो आपके पास में क्या आया बच्चे, आपके पास में आया है 2, क्लियर है। आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या है, बी वाई एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई एक्स, तो सिग्मा वाई एक्स आपको निकालना है, तो आपके पास में सॉल्व करना है इसको, वाई एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5, 0, 0, 1, 2, 7, 15, तो क्या आया आपके पास में, 6, 5, 11 और 1, 12, 12 और 2, 14, 14 और 7, 21, 21 और 5, 26, 2 और 3, 36, तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका बच्चे, 36/8 माइनस सिग्मा वाई बाय एन, सिग्मा वाई बाय एन 2/8 एंड इन टू 23/8 एंड अपॉन, अब आपको एक्स स्क्वायर भी चाहिए ना यहाँ पे, तो आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास में आ गया एक्स का स्क्वायर 1, 25, 09, 04, 01, 01, 49 और 3 का स्क्वायर 09, अब सॉल्व करेंगे इसको बच्चे, तो आपके पास में क्या आ गया, 1 और 5, 6, 6 और 9, आपके पास में 15, 15 और 4, 19, 19 और 1, 20 और 1, 21, 21 और 9, 30, 30 और 9, 39, 3 और 2, 5, 5 और 4, 9, 99, तो सॉल्व करेंगे 99/8 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास में ऑलरेडी है, सिग्मा एक्स बाय एन 23/8 का होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक पहले आप देखें, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज़ पूछेंगे जरूर, क्लियर है बच्चे, समझ में आया। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिग्मा वाई बाय एन, तो सिग्मा वाई क्या था आपके पास में, 16/8 आएगा यहाँ पे, सोलह बटा आठ, अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास में 4 से 4 9 36, 4 2 8 माइनस 2 × 23/8 / 99/8 माइनस 23 का स्क्वायर, तो 23 का आपके पास में स्क्वायर आएगा, ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री और अपॉन में 64, ऊपर आप एलसीएम लेते हैं बच्चे, तो एलसीएम आपके पास में, पहले एलसीएम बाद में लेना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो ले लो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 तो 36 और माइनस 46 अपॉन एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 64, तो 8 × 2 = 64, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 99 × 8 = 792 - 529, एंड सॉल्व करेंगे 36 - 46 तो माइनस
टेन बाई एट इंटू 64 अपॉन में 792 माइनस 529 263। क्लियर है बच्चे? एंड सिंप्लीफाई अगर आप इसको करते हैं तो अब और सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ से काट सकते हैं बस आप 8 × 2 = 64। तो क्या आया आपका -80 बाय 263। ये आपके पास में, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन। इसको कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछेंगे आप। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन इक्वेशन का ये है, बस वैल्यू पुट करना है आपने और कुछ नहीं करना। रिग्रेशन वाई ऑन एक्स क्या आपके पास में बताया मैंने, y माइनस y बार y मीन इक्वल्स टू कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, बी वाई एक्स वाई ऑन एक्स ही है ना क्वेश्चन में, बी वाई एक्स एंड x माइनस x मीन। अब आप देखेंगे आपके पास में y डेटा तो कांस्टेंट है, माइनस y का मीन कितना है 2, बी वाई एक्स माइनस 80 अपॉन 263 मे बी, देखिए माइनस 80 अपॉन 263 और आपके पास में x माइनस x का मीन 23/8, x माइनस 23/8। सॉल्व करते हैं आप इसको, तो ये आपके पास में क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 263। अच्छा अब ये क्लियर है आपके पास में? चलिए पहले इक्वेशन निकाल ही लेते हैं हम, 263y माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 263 को, 263 इंटू 2 526 इक्वल्स टू माइनस 80 एंड प्लस 23 इंटू 80 1840 अपॉन 8। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 263y इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 526 एंड प्लस 1840 अपॉन 8। 263y इक्वल्स टू 526 माइनस 80 446 प्लस 1840 अपॉन 8। 263y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 8 3568 इंटू 8 प्लस 1840 अपॉन 8। सॉल्व करेंगे इसको, ऑलरेडी हो चुका है तो फोर सिक्स मल्टीप्लाई बाय 8 3568 प्लस 1840 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं, प्लस 1840 तो क्या है आपके पास में, 263y इक्वल्स टू, आपके पास में x भी था ना, x कहाँ चला गया आपका, अच्छा 80x था, ये गड़बड़ होगी भाई साहब, गड़बड़ होगी, बड़ी गड़बड़ होगी, माइनस 80x होगा ये। ठीक है बच्चे? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y ऑन x, तो 263y इक्वल्स टू माइनस 80x प्लस 1840 अपॉन 8 एंड प्लस 2 526।
एंड 263y इक्वल्स टू -80x प्लस सॉल्व करेंगे 1840 एंड 526 मल्टीप्लाई बाय 8 तो प्लस 4208 अपॉन 8 सॉल्व करेंगे 263y इक्वल्स टू -80x प्लस भाई बड़ा लंबा कैलकुलेशन है यार 1840 प्लस 4208 एंड डिवाइडेड बाय 8 कर दो खत्म 756 क्लियर है। अब क्या कह रहा है आपसे, ये तो आपका इक्वेशन आ गया क्लियर है y ऑन x, तो आपको ऐसे निकालना होगा y ऑन x, तो y इक्वल्स टू -80x प्लस 756 अपॉन 263। अब पूछ कह रहा है आपसे y ऑन x हैंस प्रिडिक्ट y की वैल्यू बतानी है आपको इफ x इक्वल्स टू 5, तो x की जगह पे आपको बस 5 रखना है यहां पर और कुछ नहीं करना, तो x की जगह 5 रखेंगे तो y इक्वल्स टू -80 इंटू 5 प्लस 756 अपॉन 263 एंड y इक्वल्स टू -400 एंड प्लस 756 अपॉन में 263 एंड y इक्वल्स टू 756 -400 एंड डिवाइडेड बाय 356 एंड डिवाइडेड बाय 263 एंड डिवाइडेड बाय 263 दिस इज द वैल्यू y इक्वल्स टू 1.35। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज़ पूछेंगे, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपसे, इस बात को समझिए जरा। फिट अ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो x ऑन y पूछ रहा है आपसे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई तो कैसे निकालेंगे आप इसको? इसका फॉर्मूला होगा आपका एक्स ऑन वाई, तो पहले एक्स है तो एक्स माइनस एक्स बार, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स वाई, एक्स वाई है तो फिर उसके बाद वाई माइनस वाई बार। क्लियर है बच्चे? अब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बी एक्स वाई निकालोगे आप पहले, बी एक्स वाई, तो पहले कैसे निकालते, वैसे ही न्यूमरेटर सेम रहेगा, कैसे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस पहले वाला अपॉन एन इंटू दूसरे वाला अपॉन में एन। क्लियर है बच्चे? एंड आपके पास में डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये वाई है ना ऑन वाई, तो सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन का होल स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करेंगे बी एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई बाय एन, तो सिग्मा एक्स वाई बाय एन कितना होगा आपका, सिग्मा एक्स वाई बाय एन 36/8 माइनस सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन क्या है आपके पास में, 10 मिनट वेट करो, ऊपर ही वेट करना, 36/8 माइनस सिग्मा एक्स क्या बेटा आपका, सिग्मा एक्स बाय एन आपका 23/8 है, 23/8 एंड सिग्मा वाई बाय एन, तो ये 2 हो गया अपॉन वाई स्क्वायर बाय एन, तो वाई स्क्वायर आपके पास में है क्या कॉलम में, नहीं है, तो अपना वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वाई का 36/01/0/01/4/1/25 ये आपका वाई स्क्वायर है। तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या आया आपका, 36+1+1+4+1+25 तो 68 आया आपका। सॉल्व करेंगे 68
68 बाय एन माइनस सिग्मा वाई बाय एन, तो सिग्मा वाई क्या आया था आपका 16, मतलब 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे 36 बाय 8 सॉल्व करेंगे बी एक्स वाई इक्वल्स टू 36 बाय 8 46 बाय 8 अपॉन 8 माइनस 4। आगे सॉल्व करेंगे आप इसको तो एलसीएम आपका 8 आया, यहाँ पे आया माइनस 10, ठीक है, इनटू ये सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास पे नीचे क्या आया, नीचे देख लेते हैं पहले, 64 माइनस 32 बटा 8 एंड माइनस 10 बाय 8 इनटू 8 बटा, सॉल्व करेंगे 64 में से 32 गया तो 64 में से 32 गया 32, तो 8 चौक 32, 2 पंचे 10, 2 दुनी 4, माइनस 5 बटा 16, ये आ गया। अब इक्वेशन में आप अप्लाई करते हैं बच्चे, तो इक्वेशन क्या आपका x ऑन y, तो x माइनस x बार तो 23 बाय 8, क्लियर है बच्चे, एंड इक्वल्स टू बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई क्या है आपके पास में माइनस 5 बाय 16, एंड अंदर क्या चला गया आपके पास में y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार, तो क्या है वाई बार 2, एंड सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आपके आपको निकालना है x ऑन y, तो x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो x माइनस 23 बाय 8 एंड इक्वल्स टू, ये आपके पास इसको अभी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, माइनस 23 बाय 8 इक्वल्स टू माइनस 5 वाई बाय 16 एंड माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 बाय 16। अब आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, चलो इसको सॉल्व कर ही लो, अब आप x माइनस 23 बाय 8 इक्वल्स टू माइनस 5 वाई एंड प्लस 10 बाय 16, क्योंकि एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ी आपको, आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपसे y की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए कह रहा होगा इस इक्वेशन में, व्हेन y इक्वल्स टू 2.5, देन y इक्वल्स टू 2.5 आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में आ जाता है x माइनस 23 बाय 8 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड बाई 2.5 प्लस 10 अपॉन 16 एंड x माइनस 23 बाय 8 2.87 इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं 2.5 इंटू 5 12 माइनस 12.5 एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 16 एंड सॉल्व करते हैं तो माइनस 2.5 अपॉन 16 एंड x इक्वल्स टू प्लस 2.87 एंड 2.5 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू माइनस 0.15 प्लस 2.87 माइनस 0.15 देन इक्वल्स टू 2.72 एक्स इक्वल्स टू, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर है बच्चे। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, थर्ड कार्ल पियर्सन कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, तो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालोगे आप, ये देखेंगे कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन क्या रहता है बच्चे इसका फॉर्मूला, ये सारी चीज ध्यान रखना, पेपर में ऐसे ही आता है, बी एक्स वाई कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड मल्टीप्लाई बाय कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, दिस वन, दोनों कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रिग्रेशन लाइन के, तो बी एक्स वाई आपके पास में एक क्या आया और एक क्या है, एक तो आपके पास में बच्चे आया है कॉफिशेंट, हाँ क्या रखा था हमने वैल्यू, माइनस 5 बटा 16 पॉइंट 31 और बी वाई एक्स क्या आया, पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है,
बी वाई एक्स 80/200, 80/263, 0.30। पॉइंट थर्टी इंटू 0.31 और इसका अंडर रूट 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.30 अंडर रूट 0.30। तो क्या है इसका आंसर? 0.30। ये इसका कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन है, आर की वैल्यू है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो हमने इसमें से एक क्वेश्चन कर लिया, आपके एग्जाम में अच्छे अच्छा वेटेज रखता है। एक्सपेक्टेशन ये रखिए जो पी वाई क्यू है वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है? मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में, और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अगर मेरे को दिखता है तो इसे शो नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।